ए वंदना दा हम तो देखी कैसन बाड़ी हमार होके वाली ले रहा हूँ हाँ दा हाय ए ए ए वंदना रुका ए वंदना वंदना ए रुका वंदना अरे तोरा कम बता बता क्या तो ए वंदना रुक ना ए वंदना वंदना लड़की भी ना तोरा को छोड़ ना दा दा दे दा फोटो माई हमरा खातिर मंगोले पड़ी दा फोटो तो दे दे बाकी ओकर बदले हमके दुआर छेकाई में फोन चाहिए लो मोबाइल चाहिए लेटेस्ट फोन अच्छा ठीक बा मिल जाए एक मिनट अब तोरा का हो गई भैया हमके ना सोना के झुमका चाहिए अच्छा ठीक बा तोरो मिल जाए अब दादा हमके तोरा की तो ठेंगा मिली ना हमार प्यारी गुड़िया के हम प्यारा सा गुड्डा दे दा फोटो दा ठीक बा ईला बहुत बहुत धन्यवाद लेकी पसंद भी आ इलामाई घर पर देख करके मन खुश हो गई। खरवास के बाद 25 नवंबर के पंडित जी दिन तारीख रखते ले पाड़े। सिद्धि के भी बता दी ब्याह से पहले आ जाई तो कामकाज में हाथ पात बटा दी। जा फोन लेके आओ ता। जय माता दी। ला माई से बात कर ला। हाँ हेलो मम्मी। का मम्मी रे कितना बार तोहरा के बोलले बानी कि हमरा के माई बोलल कर। अरे हेलो हेलो का है जय माता दी बोलल कर। अच्छा एक बात सुन रिद्धि के ना ब्याह तय कह दिले बानी 25 नवंबर के ना ब्याह। तू ना 10 दिन पहले आ जाइया यानी कि 15 नवंबर तक घर आ जाइया। मम्मी यार सॉरी मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं मैं नहीं आ पाऊंगी। का एग्जाम चालू हो जाए? अरे शादी में भी ना आ पाईबू तू। ए सिद्धि देख ला अगर तू शादी में ना आईबू ना तो हम शादी ना करब। अरे मेरी जान ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर एग्जाम नहीं होता तो क्या शादी में मैं नहीं आती? कोई बात नहीं अब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल में डायरेक्ट आऊंगी मैं। साली की धमाकेदार एंट्री भी तो जरूरी है। बस मेरी जान मेरी बहन मम्मी को संभाल लो बस। आई लव यू। जा तू हमरा से प्यार ना करे लो। ठीक है वक्त आने पे बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। समझे मेरी जान। अच्छा सुनो जीजू की अच्छी सी फोटो व्हाट्सएप कर दो। ना ना भेजब ससुराल में ही आके देख लिया। अरे ओए मेरा हक है आधी घर वाली हूँ मैं भाई प्लीज भेजो। चल ठीक बा भेज दे। अच्छा जय माता दी रखा तानी। फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी कूलर बेड सोफा सेट पंखा मिक्सर प्रेस घड़ी सिकड़ी अंगूठी 2.5 लाख रुपए तिलक ना हम इना करे के बाद मैं का शादी हम इना चाहे इतना का मासूत लेकर कहां से दी वो इतना दहेज। अरे बेटा तू दहेज की चिंता काहे कर रहल बाड़ू। हमरे लगे 5 बीघा जमीन बा 1 बीघा भेज दे। हाँ तू तो कह लो माई कि बाप दादा के जमीन बेचला से पुरखन की आत्मा रोवे ले। बिटिया पुरखन की आत्मा तब रोई जब तू ससुराल में दुखी रहबू।
जब तू ससुराल में खुश रहू ना तो तोरे बाबूजी की आत्मा भी खुश होई। तू दोनों बहन अपने अपने घरे रहो, हम अकेले रह जाए भी घर में। अरे कितना खाए, और तबली तो हमार 20 दांत भी ना रही खाए खातिर। तू चिंता मत करा, ठीक बा, हम बानी ना। अरे मुरारी, तू यहाँ बैठ के चाय पियता रे। वहाँ सरस्वती चाची एक बीघा जमीन बेचता रही। हाँ? दीपक और मुनीलाल सब वजह दलाली पे लागल पड़ा था। चल बैठ जल्दी से, हमरा हिसाब में लिख लिया भैया। हाँ? चल 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 जल्दी निकल, चल चल। रुक 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 रुक, उतरा जल्दी आओ। काय खोजत तेरी चाची? ए चाची, चाची हो? ए चाची, पाव लगी? भाई लगू चाची। खुश रहा, खुश रहा। सुननी हा कि अपन एक बीघा जमीन बेचत आरू? का डिमांड बा, कैसे बिस्सा बेचबू? देखा बाबू, रोडे पर के जमीन है तो हमके 5 लाख बिस्सा चाहिए। अरे चाची, 5 लाख का तोहरा के हमनी 5.5 लाख रुपया दिलाई। हमनी के रहुआ जमीन से दलाली भी ना चाहिए, बस जौन 5.25 लाख से ऊपर पाई वो हमनी के दे दे। ठीक बा, हमके मंजूर बा। हाँ तो चाची, समझा तो हर जमीन बिक गई। अब हमनी जाके पार्टी से बात करके फिर तोहरा के बता दे। ठीक बा। अच्छा चाची, पाँव लगे, खुश रहा, चल चल। सरस्वती जी, ये लिही चेक आ ये लिही मिठाई। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।